Now you storming at my house in the middle of the night. I'm trying to sleep. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. मेरी YouTube family. मैं आज नई चीज़ लेके आई हूँ आपके लिए, ठीक है. आज हम रील बनाएंगे, ठीक है. उसके लिए मैंने रेज़न पहले से तैयार कर लिया हुआ है, ठीक है. और रेज़न तैयार करके मैंने पहले रखा हुआ था. ये हमारा कप नंबर 1 है और ये हमारा कप नंबर 2 है. इस कप नंबर 2 को मैं हटा देती हूँ, ठीक है. हमने ऑफ वाइट रेल बनानी है, ठीक है. उसके लिए हमें एक तो फॉइल पेपर चाहिए, ठीक है. और साथ मीका कलर्स हमने लिए. मैंने आपको बताए थे कुछ पिगमेंट्स होते हैं, कुछ मीका कलर्स होते हैं, वो हम लोग इसमें रेल में यूज़ करेंगे. और बाकी भी जो मटेरियल हम लोगों ने यूज़ करना है वो और वाइट कलर है. अगर हमें ज़रूरत पेश आई तो फिर हम वाइट कलर यूज़ करेंगे, वरना मीका कलर को ही यूज़ करेंगे, ठीक है. सबसे पहले हम रेडी कर लेते हैं ऑफ वाइट कलर, ठीक है. अब मैंने आपको बताना है कि ऑफ वाइट कलर हमने कैसे यूज़ करना है, कैसे मैंने बनाना है. यूज़ तो मैं आपको रेल के अंदर करके दिखाऊंगी, लेकिन बनाने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कैसे बनाना है. हम लोगों ने वाइट कलर लेना है पहले, मीका वाइट कलर. ये है हमारा वाइट मीका कलर. हम लोगों ने ऑफ वाइट कलर तैयार करना है. वाइट हमने ले लिया, वाइट कलर थोड़ा सा ज़्यादा डलेगा. और जो येलो है उसको हमने, ये वाइट को हमने येलो में जो लेके जाना है लाइट सा, यानी कि हम लोगों ने लेना है ऑफ वाइट कलर करना है, तो इसमें हमने येलो मिलाएंगे. तो हमारे वाइट में डालने से येलो थोड़ा सा हमने यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं यूज़ करना, ठीक है. ये इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे तो हमारा ऑफ वाइट कलर रेडी हो जाएगा, ठीक है. अगर हमें और ज़रूरत पड़ी फिर हम देखेंगे. मेरे पास वाइट पेस्ट भी पड़ी हुई है, उसको भी हम देखेंगे कि इसके अंदर यूज़ करने से वो रेडी होता है या नहीं, हमें ज़रूरत है कि नहीं. अब हमें इसमें फील हो रहा है कि इसमें हमें वाइट जो पिगमेंट है वो हमें यूज़ करना होगा, क्योंकि मीका कलर जो है वो इतना नहीं लेके आया पिगमेंट. पिगमेंट हम यूज़ करेंगे मीका के साथ. मीका और डाल रही हूँ, इससे हमारा ज़रा शाइनी शाइनी आएगा. ये है वाइट पिगमेंट, ठीक है. ये अब हम इसको अंदर यूज करेंगे. अच्छा जी, ये हमारा मीका डालने से ऑफ वाइट सा कलर तैयार हो गया, ठीक है. अब हम इसको रेल के अंदर पोर करेंगे, ठीक है. जहाँ जहाँ हमें चाहिए वहीं वहीं पे हमने करना है. थोड़ा सा हमें दूसरा कलर चाहिए, हमें जहाँ फॉइल पेपर डालना है, हमने फॉइल पेपर यूज़ करना है वहाँ पे हमें थोड़ा सा चाहिए, ठीक है. ये हमें लाइट्स ऑफ वाइट कलर चाहिए था, ठीक है. ये हम मिड में डालेंगे इसको, ठीक है. और उसके बाद हम दूसरा कलर डालेंगे यहाँ पे डालेंगे, ठीक है. ये हमने एक रेल में डाल दी है, यानी कि रेल की मोल्ड में, और दूसरे में यहाँ पे
दाम है। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिए। ये हमारा फॉइल वाला भी रेडी है। ठीक है, ये भी हम इधर डालेंगे। अब हमने ये फॉइल वाला यहाँ पे डाल दिया। ये बाद में हम थोड़ा सा इसको करेंगे। जहाँ हमें फॉइल कम नजर आएगा तो वहां हम ऐसे बराबर का कर लेंगे। जब तक ये ड्राई नहीं होता उस वक्त तक तो हम हैंडल कर सकते हैं बासानी, लेकिन जब ये ड्राई होना शुरू हो जाता है वहां हैंडल करना भी मुश्किल हो जाता है। और ये मेरे पास और भी है रेडी, ये मैं इसमें थोड़ा सा और फॉइल डाल के ये रेजन मैंने पहले से रेडी किया हुआ था। ठीक है, इसमें हम फॉइल पेपर और डाल के तो इधर भी डाल देंगे। ठीक है, ये हम इसको मिक्स कर लें फॉइल पेपर को। ठीक है, और ये हमारा मिक्सिंग कंप्लीट हो गई है इसमें, और अब हम पोर कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये भी यहाँ पे डाल दिया। और हमें कहाँ फील हो रहा है कि यहाँ पे जरा ज्यादा डले। ठीक है, यहाँ पे भी हमने डाल दिया है। अब इसके बाद हमने इसके साथ मैं रेजन दोबारा से रेडी करूँगी, और अब हम इसके अंदर गोल्डन रंग की टेक्सचर लेके आएंगे। ठीक है, उसके लिए रेजन दोबारा से रेडी करूँगी। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा इधर ऐसे कर लूँ। ये सारे का सारा इधर हमने डाल लिया। अब रेजर हमारे पास ख़त्म हो गया है। ये अंदाजे से ही अमाउंट तैयार करनी होती है, कई दफ़ा वो बच भी जाती है और कई दफ़ा ये होता है कि रेजर ज़रा ज़्यादा यूज़ हो जाता है। ठीक है, A few inches later. के अंदर ना इफेक्ट दे रही हूँ।
ऐसे हम स्टिक के साथ ही इफेक्ट दे देते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, फिर हमें ये जब ड्राई होगी तो उसके बाद हमें इसकी खूबसूरती हमारे तक हमें फिर फील होगी, ठीक है। ये मीका कलर डालने की वजह से इसमें बहुत खूबसूरत सा इफ़ेक्ट आ जाता है जो बाद में हमें दिखता है। अभी तो नहीं है पता चलेगा, लेकिन जब वो ड्राई हो जाएगी उसके बाद हमें पता चला। ये तकरीबन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और अब मैं इसका फाइनल रिज़ल्ट की वीडियो बना के अपलोड करूँगी, ठीक है। आप मेरे साथ मेरी वीडियो को शेयर किया या मेरी वीडियो को आगे शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स भी लाजमी। बाय। इफ यू लाइक माय वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।